इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज अटाले हिंसा में 3 आरोपी को हाईकोर्ट से राहत मिली। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी MIM के जिला अध्यक्ष और महामंत्री को मिली राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट से 3 बड़े आरोपियों के खिलाफ उत्पीड़न कार्रवाई पर लगाई रोक। अगले आदेश तक पुलिस को इनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। MIM पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम जिशान रहमानी पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगी रोक। सोशल एक्टिविस्ट खालिद उमर को भी मिली राहत। हाईकोर्ट ने जहाँ तीनों लोग को राहत दी है, तो इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 16 तारीख को होगी और आगे अग्रिम जमानत भी मिल सकती है। बता दें, जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच के मामले में हुई सुनवाई। अटाला में जो 10 जून को घटना हुई थी, उस पर प्रशासन की ओर से एक ही बात कहते हुए तीन FIR 2 करेली थाने पे और 1 खुल्दाबाद थाने पे दर्ज की गई है, जिसमें से खुल्दाबाद थाने पर जो FIR थी, केस क्राइम नंबर 118/2022, उसमें शाह आलम, उमर खालिद और जिशान रहमानी की ओर से हम लोगों ने अधिवक्ता मंच की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था और उस पर जिशान रहमानी की 2 सितंबर को बेल की सुनवाई के समय कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा कि इनकी उपस्थिति का क्या सबूत है आपके पास, और उसमें टाइम दिया गया उनको कि आप जो है 1 घंटे के अंदर देख करके कागज़ ठीक से फाइल पढ़ करके बताइए, लेकिन सरकारी वकीलों की ओर से इस तरीके का कोई सबूत नहीं दिया जा सका जिससे इन लोगों की घटना स्थल पर उपस्थिति का कोई सबूत पेश किया जा सके। और हम लोगों की ओर से ये प्ली ली गई थी अपने एप्लीकेशन में कि उमर खालिद 9 जून 2022 से 12 जून 2022 तक आजमगढ़ में एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में थे। वहाँ के स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के जो कोऑर्डिनेटर थे, उनका एफिडेविट लगाया गया है आजमगढ़ में उमर खालिद के उपस्थित रहने का। इसी तरीके से शाह आलम 10 जून को पूरा दिन अपने घर पर मौजूद थे और इस बात का CCTV फुटेज में रिकॉर्डिंग है, जिसको हम लोग कोर्ट के सामने लेके गए थे। कोर्ट ने कहा उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों ने प्ले नहीं किया। और इसके इतर प्रशासन के पास इस तरीके का कोई सबूत नहीं है। जो CCTV फुटेज उन लोगों ने जारी किया था, उसमें कहीं से भी ये लोग नहीं पाए गए। इन लोगों को सिर्फ इसलिए कि ये नागरिकता आंदोलन में इन लोगों के ऊपर संदेह के आधार पर प्रशासन ने FIR दर्ज किया था, इसी आधार पर इस केस में भी इन लोगों को इम्प्लीकेट किया गया, जो कि गलत है। और इस बात को देखते हुए कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में सरकार से लिखित जवाब मांगा है कि आप अगली तारीख से पहले इन सारे सवालों का जो हम लोगों ने उठाया है पुलिस की कहानी पर, उस पर जवाब लगाइए और 16 तारीख को फाइनली अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी। तब तक के लिए कोर्ट ने इन तीनों लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी कोअर्सिव एक्शन इन लोगों के खिलाफ करने से पुलिस को रोका है। दुखद बात यह है कि FIR के तुरंत बाद 25,000 रुपये का इनाम घोषित करना, प्रशासन का इस तरीके का रवैया, एक ही घटना पर 3-3 FIR करके एक तरीके से निर्दोष लोगों को रविश कर देना, जो प्रशासन का काम निर्दोषों को बचाना है, यहाँ पर इन लोगों के साथ उल्टा होता दिख रहा है कि प्रशासन उल्टा इन लोगों को रविश कर देना चाहती है, जिस तरीके की कहानी बनाई गई है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत सख्त हस्तक्षेप किया है, बहुत वाजिब हस्तक्षेप किया है, और इससे न्याय की उम्मीदें जिंदा हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 16 तारीख की सुनवाई पे इन लोगों को फाइनली अग्रिम जमानत दी जाएगी कोर्ट की ओर से। राजवेंद्र सिंह, संयोजक अधिवक्ता मंच इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज में आज सिविल लाइन्स के सुभाष चौराहे पर किन्नरों ने आज यातायात नियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है, और इस दौरान सीट बेल्ट हेलमेट को लेकर यह अभियान चलाया गया। सभी किन्नर एकत्रित होकर लोगों को सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट का प्रयोग करने के लिए अपील भी करते दिखाई दिए। बाकायदा किन्नरों ने गाड़ियों को रुकवाया और उनसे यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्या आनंद गिरी ने कहा कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे यातायात नियमों में सुधार आ सके और एक्सीडेंट की घटनाएं कम हो। कार्यक्रम करे हुए हैं सुभाष चौराहे पे, तो हमारा यही आज का उद्देश्य यही है कि सबको सीट बेल्ट लगाए, हेलमेट लगाए, अपना सुरक्षा स्वयं अपने पे जिम्मेवारी लें। और अभी देखिए, हफ्ता दिन पहले टाटा कंपनी के चेयरमैन साइरेंस मिस्त्री जी का निधन हो गया। शायद वो सीट बेल्ट लगाए होते तो उनका निधन नहीं होती है। तो इसी में हमारे भारत सरकार के मंत्री जी नितिन गडकरी जी के आदेश है कि सबको सीट बेल्ट लगाए, इसी के तहत आज हम लोग ने इस कार्यक्रम को रखे हैं।
और हमको लगता है कि ऐसे करने से हमारे प्रयागराज के सभी हमारे जनता को ये जागरूकता होगी और सबको सीट बेल्ट और हेलमेट लगाएंगे और हमारे सरकार के भी गाइडलाइन है उसको पालन करें, ट्रैफिक गाइडलाइन है उसको पालन करें। मैडम क्षेत्र में चर्चा है कि आप चुनाव भी लड़ने वाली हैं तो क्या यहाँ के हमारे प्रयागराज के पब्लिक इस पे आस लगा के बैठे हुए हैं, तो ऐसा मुझको ये दायित्व तो मिलता है तो अच्छी बात है। समाज सेवा और जनता की सेवा करना भी एक धर्म है, तो हम ऐसा कार्य करने के लिए तत्पर हूँ। मैडम अपना नाम बताइए। मैं कौशल्या नंदगिरी महामंडलेश्वर और किन्नर कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार की सदस्य हूँ। संगम नगरी प्रयागराज एसपी सिटी कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर 24 घंटे में दो घटनाएं हो चुकी हैं, जहां चोरों ने आज अतरसुइया थाना क्षेत्र के अंदर चोरों ने एक घटना को अंजाम दिया है। ताला तोड़कर लाखों के गहने उड़ा ले गए। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम मौके पहुंची है और जांच कर रही है। अतरसुइया थाना क्षेत्र के रानी मंडी इलाके में सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब सब लोग एक मकान का ताला टूटा देख आनंद फानंद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम पहुंचकर परिजनों को सूचना दी। पुलिस के अनुसार रानी मंडी के रहने वाले प्रमोद माहेश्वरी का मकान है, जो कि पूरा परिवार सहित दर्शन के लिए गया था, तभी मौका पाकर भोर में चोरों ने ताला तोड़कर घर में अलमारी में रखे गहने पर हाथ साफ कर दिया। एसपी सिटी संतोष मीणा का कहना है कि परिजनों ने आने पर पता चलेगा कि चोरी के कितने लागत के गहने या अन्य चीज़ों का हाथ साफ किया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुट गई है और लोगों से पूछताछ कर रही है। बताते चलें, एसपी सिटी कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर 24 घंटे में दो घटनाएं हुई हैं। पहली घटना शाहगंज थाना क्षेत्र में हुई है और आज दूसरी घटना अतरसुइया क्षेत्र में हुई है। बता दें जहाँ फल व्यापारी के घर में घुसकर घटना को अंजाम भी दिया गया था। हाँ, ये अतरसुइया का रानी मंडी क्षेत्र एरिया है। यहाँ पर प्रमोद माहेश्वरी जी का मकान है, वो अपना घर को बंद करके बाहर गए हुए थे, तो रात को किसी व्यक्तियों द्वारा उनके घर पे चोरी की सूचना मिली है, उसी पे हम लोग आए हैं। तो उनको पता चला है कि सुबह के टाइम पे जो नेबर्स थे उन्होंने बताया कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है, उसी को देखते हुए आगे अभी कार्रवाई की जा रही है। पता किया जा रहा है क्या घर से चोरी किया गया है क्या नहीं किया गया है। देखिए अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, जैसे ही प्रमोद माहेश्वर जी आएंगे और उन्हीं से पता चल पाएगा कितना चोरी हो पाया है, कितना सामान गया है। संगम नगरी प्रयागराज जहाँ कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आह्वान किया गया है राहुल गांधी के द्वारा, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जानी है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं ने जहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर सर्वधर्म प्रार्थना की, तो वहीं अब बीजेपी के नेता पंकज त्रिपाठी ने इस पर निशाना साधा है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की सब यात्रा है और गांधी जी का सपना था कि कांग्रेस का विसर्जन होना चाहिए, तो राहुल गांधी कांग्रेस का विसर्जन करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस के द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पुराने जितने भी नेता थे वो सभी इस कार्यक्रम से लगभग दूरी बनाए हुए हैं। ये महात्मा गांधी जी की जो इच्छा थी कि कांग्रेस का विसर्जन होना चाहिए, उसी इच्छा को पूरा करने के लिए राहुल गांधी जी ने कांग्रेस की सौ यात्रा निकाली है, जो कन्याकुमारी से होते हुए कश्मीर में इसका तर्पण किया जाएगा। तो यही ये राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है पर्सनल, वो कांग्रेस को इसी सौ यात्रा के जरिए उसका तर्पण करेंगे पितर में, आने वाले पितृपक्ष में। जैसे दिया बुझने के पहले फड़फड़ाता है, ये वही है, लेकिन ये दिया फड़फड़ा भी नहीं पा रहा है, तेल बह जा रहा है, चू जा रहा है, लेकिन बाती में आग लग नहीं पा रही है, बड़ी समस्या है। उसी समस्या के निदान के लिए आखिरी प्रयास ही है पंकज त्रिपाठी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्व सांसद स्वर्गीय फिरोज गांधी की 62वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है, आज मंफोर्डगंज स्थित पारसी कब्रिस्तान में समाधि स्थल पहुंचकर कांग्रेसजनों ने पुष्प अर्पित किया है। कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह व राजकुमार सिंह रज्जू भैया ने कहा कि स्वर्गीय फिरोज गांधी एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और जिसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सांसद के रूप में सांसद के अंदर निर्भीकता पूर्वक अपनी बातों को हमेशा उठाया, उन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई में कई बार जेल जाना पड़ा। वे एक पत्रकार के रूप में अच्छे लेखक थे, नवजीवन नेशनल
हेराल्ड कौमी आवाज़ पेपरों का संचालन भी किया करते थे। 8 सितंबर 1960 को हृदय गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जहां आज कांग्रेस जनों ने पारसी कब्रिस्तान में पहुंचकर पूर्व सांसद स्वर्गीय फिरोज गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाकर उनको याद किया। लोगों ने फिरोज जहांगीर गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद किया। आज उनकी 62वीं पुण्यतिथि है और उनके जो उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी है, जो देश के आज़ाद कराने में उनका योगदान रहा देश के, तो आज हम लोग उनके बताए हुए रास्ते में चलना चाहते हैं। और उन्होंने जो कम उम्र में उपलब्धियाँ पाई थी, वो एक बेहतरीन सांसद थे, बेहतरीन पत्रकार भी थे और भारत रत्न भी थे और इंदिरा गांधी के पति भी थे। बहुत उपलब्धियाँ रही है और ऐसे क्रांतिकारी को हम लोग याद करके बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि इतने महान क्रांतिकारी की समाधि आज हमारे इलाहाबाद में है। और उनकी समाधि की जो दुर्दशा देखकर बड़ा अफसोस होता है कि नगर निगम और यहाँ का प्रशासन इसका सुध नहीं ले रहा है। कम से कम यहाँ पे उनकी बेहतरीन समाधि होनी चाहिए, ताकि देश विदेश के लोगों को यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि इलाहाबाद में भी इतने बड़े महान क्रांतिकारी की समाधि है। इरशादुल्ला। प्रयागराज, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की थी और साथ ही उन्होंने गड्ढा मुक्त के निर्देश दिए थे, तो वहीं अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने इस पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिछली बार योगी सरकार ने गड्ढा मुक्त होने के निर्देश दिए थे, मगर आज तक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है, जिसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। साथ ही उनका कहना है कि सड़कें इतनी बुरे हाल है कि जिससे अक्सर लोग चोटिल होते हैं और दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद साहब ने बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, जब योगी जी ने सत्ता संभाली थी तब कहा था कि 100 दिन के अंदर हम पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन गड्ढा मुक्त तो नहीं हुआ, गड्ढा युक्त हो गया पूरा प्रदेश। पूरे देश के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए कि जिसको पाटा नहीं जा सकता। मैं कहना चाहता हूं, जब इस सवाल को, बेरोजगारी का सवाल क्यों नहीं लोग उठाते, महंगाई का सवाल ये लोग क्यों नहीं उठाते, बेरोजगारी का सवाल ये लोग क्यों नहीं उठाते। ये गड्ढा को हम भर देंगे और किसी का मकान तोड़ देंगे और किसी की दुकान तोड़ देंगे, ये इस सवाल पर क्यों केंद्रित करना चाहते हैं। कुछ नहीं मुक्त हुई, आज योगी जी का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया और कहीं कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। अगर उनके पास योजना हो तब न, सिर्फ नारों की सरकार है, अखबारों में हेडलाइन बनाने वाली सरकार है, ये काम करने वाली सरकार नहीं। आप चले जाइए नैनी से लेकर सदियापुर तक, गड्ढे गड्ढे भरे पड़े हुए। वहाँ पे नंदी जी का क्षेत्र है, वो मंत्री हैं, लेकिन आज पूरा गड्ढा पड़ा है, कूड़ों का अंबार लगा हुआ। उनकी बीवी मेयर है, लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि पूरी नाली और सड़कें बजबजा रही हैं, उसे कैसे सफाई किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जनता को बेरोजगारी के सवाल पर लड़ना होगा, महंगाई के सवाल पर लड़ना होगा और समाज के अंदर ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ना होगा, तभी हम देश को और प्रदेश को एक उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज की राजधानी लखनऊ के लिवाना होटल में हुए अग्निकांड में कई लोग की मौत के बाद जहां दर्जनों लोग झुलस गए थे, इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अपनाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने होटलों, अस्पताल, बहुमंजिला इमारतों में फायर सिस्टम जांचने के निर्देश दिए। उसी कड़ी में अग्निशमन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रयागराज के सभी होटलों का निरीक्षण शुरू कर दिया है और लगातार जारी। उसी कड़ी में आज जहां रविशा होटल में अग्निशमन विभाग के CFO राजीव कुमार पांडे ने आज रविशा होटल का निरीक्षण किया और फायर उपकरण को चेक किए। साथ ही उन्होंने यहां पर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया और ट्रेनिंग भी दी। बता दें, सीएम योगी के आदेश के बाद सख्त रुख अपनाते हुए अग्निशमन विभाग ने ये कार्रवाई चालू की है। बताते चलें, जहां अग्निशमन विभाग ने कई होटलों की पहले भी निरीक्षण किए हैं, उसी कड़ी में आज हाईकोर्ट के समीप रविशा होटल पहुंचकर फायर उपकरण के निरीक्षण किए। आज हम लोग रविशा होटल में जो है चेक कर रहे हैं, इनके सिस्टम को चलवा रहे हैं, हाइड्रेंट सिस्टम को, होजरी सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम को चला के और इनके कर्मचारियों से खुद ऑपरेट करा रहे हैं। किसी आपात स्थित होने पे इनके द्वारा कैसे कार्रवाई की जाएगी और इनको हम लोग प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। ये अभियान कब तक चलेगा सर? ये अभियान जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो है 1 सप्ताह तक अभी चलेगा, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग की टीम सतत कार्य कर रही है। अभी कितने होटलों को चेक किया गया सर? अभी तक हम लोग 100 होटल के 100 चेक किए हैं, जिसमें 50 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज के गर्ल्स हाई स्कूल में आज मिशन शक्ति साइबर सुरक्षा व यातायात जागरूकता के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें पुलिस विभाग व एवं स्कूल प्रशासन की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सर्वप्रथम विद्यालय की अध्यापिकाओं और छात्राओं ने यातायात सुरक्षा सभागार उपस्थित लोगों को संबोधित किया गया। मिशन शक्ति साइबर सुरक्षा यातायात जागरूकता अभियान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राकेश कुमार सिंह आईजी रेंज प्रयागराज व एसएसपी प्रयागराज मौजूद रहे, जिन्होंने झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया और इसके बाद ही विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान 2022 में कक्षा परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ऑल इंडिया 2012 की बोर्ड के प्राप्त रैंक वाली अनन्या अग्रवाल, श्रेया श्रीवास्तव, दिविशी श्रीवास्तव एवं वंशिका शर्मा मेधावी छात्राओं को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र देकर यहां पर सम्मानित भी किया गया। साथ ही मिशन शक्ति साइबर सुरक्षा यातायात से जुड़ी छात्राओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने कई प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत की। क्या कुछ कहा आईजी रेंज प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं आपको। नारी शक्ति पर सर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? को देखो आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है पर मिशन शक्ति जो कार्यक्रम सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जो चलाया जा रहा है उसके क्रम में यहाँ पर हम लोग आए थे और बच्चों के बीच उसके अवेयरनेस के बारे में बात की और इस संबंध में क्या क्या कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं उसको बताया गया। संगम नगरी प्रयागराज जहां जगजीवन ज्योति अस्पताल व इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी। न्यूट्रिशन की कमी से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसके प्रति लोगों को जागरूक किया गया। ऐसे में यहां पर कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने के साथ उनकी मुफ्त में जाँच भी की गई। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में डॉक्टर का, आइए सुनाते हैं। जीवन ज्योति हॉस्पिटल ने इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर एक न्यूट्रिशन और ओबिसिटी के जागरूकता के लिए फैलाने के लिए किया गया है। जैसे आप जानते होंगे ओबिसिटी आजकल बढ़ती जा रही है और बहुत ही बड़ी एक बीमारी हो गई है, एक तरह की एक एपिडेमिक हो गई है ये भी, और इससे आने जाने कई प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, कई चीज़ें ऐसे एसोसिएटेड है। तो उसके बारे में लोगों को जागरूकता फैले और थोड़ा एक बोन मिनरल डेंसिटी करके एक टेस्ट होता है जिससे बोन्स के हेल्थ और कैल्शियम की हेल्थ के बारे में पता चलता है, तो उसका वो टेस्ट यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है जितने लोग आ रहे हैं। और ओबिसिटी के मैनेजमेंट में तो एक्सरसाइज, डाइट, ये सब होती है। उसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट जो होती है, बेरियाटिक सर्जरी, उसके बारे में भी यहाँ हम कुछ कई चीज़ें बताएंगे और थोड़ा लोगों को जागरूक करेंगे, इसीलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें? जी जी जी, और हाँ सारा निशुल्क, लोगों को स्प्रेड करने के लिए कि क्या बीमारी होती है। लोग अभी तक इंडिया में स्पेशली इलाहाबाद जैसी जगहों में ओबिसिटी को एक बीमारी नहीं कंसिडर करते, लेकिन एक प्रकार की बीमारी है। उसको किस लेवल पे होने के बाद उसको बीमारी कहा जाता है या नहीं कहा जाता, वो सारी डिटेल्स अभी बताई जाएंगी। संगम नगरी प्रयागराज सोरो में मिले अफ्रीकन स्वाइन फीवर के वायरस को देखते हुए डीएम संजय खत्री ने जिले में अलर्ट घोषित कर दिया। सुअर पालकों को भी निर्देश जारी किए गए हैं और साथ ही बीमारी को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। मगर आप देख सकते हैं नज़ारा है दरियाबाद पुलिस चौकी का, जहां खुलेआम सड़कों पर आवारा जानवर और सुअर टहल रहे हैं और इनको ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। जहां अमेरिकन स्वाइन फीवर वायरस एक तरफ फैलने का खतरा सता रहा, तो ये दूसरा नज़ारा है संगम क्षेत्र का, जहाँ यहाँ पर भी आवारा जानवर सुअर खुलेआम टहल रहे हैं और यहाँ सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु हुआ यहाँ बाहर से लोग आते हैं। मगर सुअर पालकों को निर्देश देने के बावजूद भी खुलेआम सुअर सड़कों पर घूम रहे हैं, तो और इससे स्वाइन फ्लू अमेरिकन फैलने का खतरा सता रहा है। और दूसरी तरफ ये नज़ारा है कल्याणी देवी क्षेत्र का, जहाँ यहाँ भी सड़कों पर सुअर दौड़ते नजर आए। वही आई सामने। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।